वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो सन टैनिंग के बारे में है। सन टैनिंग के बारे में अगर बात की जाए तो टैनिंग एक आम समस्या है जो हर किसी को भी हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में लंबे समय तक सफ़र करते हैं उनको दिखाई देगी, या लंबे समय तक जो लोग बाहर बाइक पर जा रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो और शॉपिंग करने जा रहे हो, उन सभी में ये प्रॉब्लम दिखाई देगी जिनका धूप में ज़्यादा कांटेक्ट आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक धूप में बैठने से क्या होता है कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन की एलर्जी होती है, आँखों में परेशानी हो जाती है, आँखों में मीन्स बहुत ज़्यादा खुजली आना, जो भी प्रॉब्लम्स आँखों से रिलेटेड हो जाती है, और यहाँ तक कि स्किन का कैंसर भी हो सकता है। सन टैनिंग के बारे में मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले हम लोग घूमने गए थे बीच पर। जब लौट कर आए तो होटल में रिफ़्रेश होने गए तो देखा बहुत सारे काले काले पूरा स्पॉट आ गया था, जहाँ पर जो हिस्सा ढका हुआ था वो अच्छा था, जो खुला था, जो ओपन था, वो पूरे स्किन पर पूरा सन टैन की प्रॉब्लम मुझे हो गई थी। हाँ, मुझे ही नहीं, हर किसी को हो गई थी। मेरी जो भी फ्रेंड्स आई थी उन सभी को वो प्रॉब्लम हो गई थी। टैनिंग जो थी वो 15 से 20 डेज तक मुझे वो प्रॉब्लम थी, मतलब वो टैनिंग नहीं गई थी। बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे मैंने क्रीम्स लाए, वो अप्लाई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन सच कह रही हूँ आपको, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ डी टैन स्किन टाइटनिंग वाला जो मास्क है, वो उसी मास्क से मेरा पूरा टैनिंग रिमूव हो गया। 100% नहीं, 1000% आपको वो रिजल्ट देगा। तो मैं जो बताने जा रही हूँ वो है, वो हमारे किचन के ही इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, बहुत ही इजी है, जो डेली हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, मैं अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करती हूँ, एज ए ब्यूटिशियन आपको भी बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग धूप में जाए तो जाने से 15 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है फेस पर, उसके बाद ही हमें बाहर जाना चाहिए। क्योंकि सनस्क्रीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सन से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेरे साथ किचन में, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको बनाना है। डी टैन एंड स्किन टाइटनिंग फेस मास्क बनाने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो लेने हैं शहद और शुगर और कॉफ़ी और एलोवेरा। ये 4 हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। शुगर के बारे में अगर हमें बात करना है तो मैंने इसे दरदरा पीस लिया है ताकि मसाज करते वक्त हमें रैशेस ना आ जाए, तो इस टाइप का स्क्रब के लिए मैंने दरदरा पीस लिया है। स्क्रब के लिए शुगर बहुत ही अच्छी साबित होती है, मीन्स शुगर से स्क्रब करने पर चेहरे पर पड़े दाग धब्बे, बारीक लकीरें और झुर्रियाँ जो है वो गायब हो जाती है। इससे क्या है कि आपकी जो त्वचा है बहुत ही बेहतरीन, मीन्स बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है, सन टैनिंग और झाइयाँ भी खत्म हो जाती है। शुगर के फाइन ग्रैन्यूल्स जो है वो जो हम स्किन पे स्क्रब से मसाज करते हैं तो वो स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, मीन्स और उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दैट हेल्प्स इन स्किन टाइटनिंग। हनी के बारे में और भी बहुत कुछ फ़ायदे होते हैं, हनी एंटीबैक्टीरियल है, उस वजह से आपकी स्किन में जो भी जर्म्स एंड डेड स्किन है उसे हटाने में हमें मदद मिलती है। और उसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में अगर बात करते हैं तो स्किन पर मौजूद डेड सेल्स को हटाने में कॉफ़ी स्क्रब काफ़ी मददगार होता है। कॉफ़ी में मौजूद कैफिक एसिड कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी मददगार है, और कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे ही यह रिंकल्स आदि से भी स्किन को बचाने में काम करता है। कहूँगी कि कॉफ़ी में जो कैफीन है
वो भी स्किन टाइटनिंग में हमें हेल्प करता है। एट द सेम टाइम ये स्किन को ब्राइट एंड स्मूथ भी करता है, क्योंकि ये स्किन के ब्राइटनेस में काम आता है। दैट्स व्हाई इट वर्क्स एज ए डिटेनिंग स्क्रब। अब आते हैं एलोवेरा। एलोवेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे हमेशा लगाती हूँ। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसको त्वचा पर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। यही नहीं, जब इसे बालों और त्वचा पर लगाया जाए तो और भी प्रभावशाली असर देखने को मिलता है। एलोवेरा के इस्तेमाल से मुहासे, रूखी त्वचा, चेहरे के दाग धब्बे कम किए जा सकते हैं। इसलिए मुझे एलोवेरा बहुत पसंद है और मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको ये फेस मास्क बनाकर दिखा रही हूँ। कितना लेना है देखिए, मैंने 1 स्पून शुगर ली है और अब मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ। सेम अब मुझे लेना है शहद, तो मैं ले रही हूँ 1 स्पून और फिर से और एक, मतलब 2 स्पून। ठीक है, अब मुझे मेरा फेवरेट एलोवेरा, अब मैं ये, इतना काफ़ी है, अब इसे मिक्स कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब हुआ है और अभी इसको कैसे फेस पर अप्लाई करना है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो देखा, ये सन टैन का D10 स्किन टाइटनिंग फेस मास्क रेडी है। आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहां जहां आपका टैनिंग है वहां वहां आप इसे अप्लाई आराम से कर सकते हो। और मैं भी इसे अप्लाई आपको करके दिखा रही हूँ। अच्छा स्क्रब है, इसको ऐसे सर्कलिंग करना है थोड़ा थोड़ा, आपकी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगी। अपने आप को पैम्पर कीजिए, स्किन टाइटर एंड ब्राइटर एंड मोर यूथफुल स्किन पाइए। इसे मुझे 5 to 10 minutes रखना है और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो मैं आपको अभी धोकर अपना रिजल्ट बताने जा रही हूँ। तो ये है मेरे रिजल्ट। मेरे बताए हुए मास्क को फॉलो कीजिएगा और अपनी स्किन को यूथफुल बनाइए। और हाँ, मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।